घर में तो कुछ भी आप पहन सकते हो, लेकिन बाहर पब्लिक प्लेस में ऐसा अबाया पहनना जरूरी है, मतलब पूरा कवर करना जरूरी है। आप कोई पण कलर का ले सकते हो ऐसे। और फेस कवर करना जरूरी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। आज है तारीख 16 नवंबर 2019 और टाइम हुआ है सुबह के 8:30 बजे और मैं हूँ राजतंद्रा सऊदी अरेबिया में। तो आज हम लोग जा रहे हैं तीनों लोग जुबेल में, तो वहाँ पे क्या क्या है देखते हैं। मुझे पता चला है वहाँ पे बीच है, गार्डन है, मॉल्स है, इंडियन सुपर स्टोर है, तो सब कुछ अपन देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आप ही की तरह एक आम हिंदुस्तानी ट्रैवलर राकेश आचार्य। और हाँ, यहाँ राजतंदूरा से जुबेल की दूरी है अराउंड 90 किलोमीटर, तो आइए चलते हैं। सऊदी अरेबिया में किसी भी रोड पे टोल टैक्स नहीं होता है, पर रोड की मैक्सिमम स्पीड लिमिट का पालन करना जरूरी होता है। और जैसा कि अपने इंडिया में थोड़े थोड़े अंतर पर होटल्स होती है, वैसा यहाँ पे नहीं होता है, पर मोस्टली पेट्रोल पंप पर कॉफ़ी शॉप, मिनी सुपरमार्केट और ऑटोमोबाइल की शॉप आपको मिल जाएगी। ये लीजिए, आ गए हम जुबेल में और घर से हम कुछ भी ब्रेकफास्ट किए बगैर ही निकले थे, क्योंकि अमीषा ने कुछ आज बनाया ही नहीं था ब्रेकफास्ट में। तो आइए सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ पे एक पुली रेस्टोरेंट करके है, तो आइए चलते हैं रेस्टोरेंट में। आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए आ सकते हो। और फिलहाल आपकी स्क्रीन पे है ब्रेकफास्ट का मेनू। और हाँ, शाम को यहाँ पे चाट भी होता है, तो ये है कुछ चाट का मेनू। और यहाँ पे काफ़ी तरह की इंडियन स्वीट भी अवेलेबल होती है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मेरे तो मुंह में पानी ही आ गया, क्योंकि मुझे स्वीट काफ़ी पसंद है। तो इस तरफ जो है वो बैचलर सेक्शन है और ये है फैमिली सेक्शन। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि सऊदी अरेबिया में नॉर्मली सभी रेस्टोरेंट में बैचलर सेक्शन और फैमिली सेक्शन अलग होता है, लेकिन हम फिलहाल आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो बैठे हैं बैचलर सेक्शन में। अगर आप लंच या डिनर के लिए आते हो फैमिली के साथ, तो इस सेक्शन में आपको बैठना रहता है। और फिलहाल आपके स्क्रीन पे है बैचलर सेक्शन का व्यू। और ये आ गया है हमारा छोले भटूरे, और ये आ गया है रवा मसाला डोसा, एकदम क्रंची रवा मसाला डोसा। और ये लीजिए, आ गया है आलू परोठा, साथ में है कर्ड और अचार। और ये आ गया है अपना पेपर डोसा। आज ब्रेकफास्ट से ही पेट भर लेंगे, क्योंकि लंच नहीं करना है। और ये आ गई है अमीषा की मसाला चाय। मैं तो चाय कॉफ़ी कुछ पीता ही नहीं हूँ, तो चाय बगैर हमारी सुबह होती नहीं है। ये पुली रेस्टोरेंट का ब्रेकफास्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। पेट पूजा हो गई है, तो अभी ब्रेकफास्ट के बाद चलते हैं। यहाँ पे एक इंडियन सुपरमार्केट है लुलू। लुलू वैसे बहुत फेमस है पूरे गल्फ में, यहाँ पे भी जुबेल, दमाम, खोबर, रियाद, अलहसा सभी जगह पे रहता है। तो जो भी इंडियन होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, श्रीलंकन, फिलीपींस, तो उनके लिए ये फेवरेट सुपरमार्केट है। तो आइए चलते हैं वहाँ पे। इंडियन रेस्टोरेंट पुली से लुलू नज़दीक ही है, तो आइए चलते हैं
लुलु इंडियन सुपरमार्केट में। यहाँ पे आपको जीवन जरूरत की सभी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि ग्रोसरी, फ्रूट, वेजिटेबल्स, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मेडिकल स्टोर, यहाँ तक कि आपको गोल्ड शॉप भी इसमें मिल जाती है। और हाँ, इसमें आपको कॉफ़ी शॉप और फास्ट फूड काउंटर भी मिल जाते हैं। फ़िलहाल पूरे हफ्ते का यहाँ से ग्रोसरी, फ्रूट और वेजिटेबल परचेस कर लिया है। तो फिर यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे जुबेल में एक फानातीर करके बीच है, तो उसको देखते हैं। नॉर्मली पब्लिक को लगता है सऊदी अरेबिया मतलब ओनली डेजर्ट, ऐसा नहीं है। इवन मैं खाली ईस्टर्न प्रोविंसी की बात करूँ तो भी यहाँ पे जुबेल, रास्तनूरा, दमाम, खोबर, हर जगह पे बीच है। और जिद्दा साइड भी, जिद्दा में भी काफ़ी बढ़िया बीच है। तो आइए चलते हैं फनातीर बीच पे। लुलु से फनातीर बीच की दूरी अराउंड 25 किलोमीटर की थी। फिलहाल बीच के पास हम पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ पे एक स्टारबक्स दिखा है। तो आइए सबसे पहले पीते हैं कॉफ़ी। यहाँ पे रेस्टोरेंट की तरह कैफ़े में भी फैमिली और सिंगल सेक्शन अलग ही होता है, तो हम जाएंगे फैमिली सेक्शन में। ये है फैमिली सेक्शन का फर्स्ट लुक। और हाँ, सऊदी अरेबिया में आपको स्टारबक्स हर जगह मिल जाएगा। अभी कॉफी खत्म हो गई है तो आइए बाहर चलते हैं बीच पे। आज मौसम एकदम परफेक्ट है, दोपहर के 2 बजे हैं, फिर भी जरा भी धूप नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं बीच की ओर। ये देखिए, मेरे पीछे आपको सी दिख रहा होगा। बीच के साथ ही ये पूरा एक वॉकवे बना हुआ है, तकरीबन 2-3 किलोमीटर लंबा है। तो एक तरफ है बीच, बाद में वॉकवे, और इधर है गार्डन। ये है यहाँ का फनातीर बीच। यहाँ पे कुछ हट बने हुए हैं और आज पानी में थोड़ी भी हाई टाइड नहीं है, मतलब वेव नहीं है, पानी एकदम शांत है। ये एक कंजर्वेटिव कंट्री होने की वजह से आपको बीच पे कोई भी फीमेल्स नहाते हुए नहीं दिखेगी या स्विमिंग करते हुए, जेंट्स कर सकते हैं। स्विमिंग एरिया वार्निंग, डीप एंड स्टीप वाटर, नो स्विमिंग आफ्टर सनसेट, वॉच चिल्ड्रन वाइल स्विमिंग, इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज कॉल 994। यहाँ पे मुझे कोई भी लाइफगार्ड फिलहाल नहीं दिख रहा है। आज सैटरडे है, उसकी वजह से आपको बीच पे काफ़ी कम लोग दिख रहे हैं। मैक्सिमम होता है फ्राइडे को, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे पब्लिक हॉलीडे होता है। यहाँ पे कुछ वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी उपलब्ध है। रेत में चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो आइए अगेन चलते हैं वॉकवे की ओर। यहाँ पे ये एक छोटा सा फ्लोटिंग पार्क भी है छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पे ये डर्ट बाइक का भी व्यवस्था है, सिंगल सीटर और 2 सीटर दोनों तरह की है। दूर ये वाटर स्कूटर भी दिख रहे हैं, किसी को
इंटरेस्ट हो तो वो भी चला सकते हैं। दूर आपको काफ़ी इंडस्ट्री भी दिख रही होगी, ये जो जुबेल है पूरा इंडस्ट्रियल टाउन है, तो यहाँ पे बाहर से आने वाले लोग भी ज़्यादा है, स्पेशली इंडियन। ये यहाँ पे फनातिर बीच ख़त्म होता है और फिर जाते हैं नेक्स्ट डेफी गार्डन पे। यहाँ पे फनातिर बीच के सिवाय भी यहाँ पे दरीन बीच, अल नकील बीच और काफ़ी बीच है, तो आइए अभी चलते हैं डेफी पार्क पे। फिलहाल पार्क में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी वजह से पार्क बंद है, तो आइए चलते हैं दूसरे पार्क पे। ये अभी हम दूसरे पार्क पे आ गए हैं, इसका नाम है अंदलुस पार्क। डेफी पार्क में काम चल रहा था। डेफी पार्क और अंदलुस पार्क दोनों पास पास में ही है और फनातिर बीच से इसकी दूरी है अराउंड 5 से 6 किलोमीटर, तो आइए देखते हैं पार्क। पार्क में दो छोटे सॉकर कोर्ट भी है जैसा कि आप देख सकते हो। फिलहाल गार्डन में शांति से नीचे बैठ के पूरे दिन की थकान मिटा रहे हैं, क्योंकि सुबह 8:30 बजे के आसपास से घर से निकले थे और फिलहाल 4 बजने को आए हैं। और इसके बाद भी और एक जगह बाकी है जिसका नाम है गैलेरिया मॉल। अभी हम हैं गैलेरिया मॉल के पार्किंग में। यहाँ पे कोई भी मॉल, पार्क या बीच पे पार्किंग चार्ज नहीं लिया जाता। वैसे तो गैलेरिया मॉल फनातिर बीच के सामने ही है, लेकिन पहले मेरे को गार्डन में जाना था इसलिए वहाँ गया और वापस यहाँ पे गैलेरिया मॉल आया हूँ फनातिर बीच के सामने। यहाँ पे ये एक लुलू एक्सप्रेस का भी काउंटर है, स्टारबक्स है, फिर सामने सेंटर पॉइंट और H&M है, हस पपीज भी मुझे दिख रहा है, तो काफ़ी सारी बड़ी ब्रांड भी यहाँ पे उपलब्ध है। लुलू में से आइसक्रीम और वेफर ले लिया है तो अभी उसको खा रहे हैं, बाद में जाएंगे स्टोर में। फर्स्ट फ्लोर पे फूड कोर्ट भी है, वो भी दिखाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे काम का कुछ वहाँ पे होगा, इसलिए वेफर और आइसक्रीम से अभी काम चला रहा हूँ। और ये है यहाँ का फूड कोर्ट। इस वीडियो का ये लास्ट पॉइंट था गैलेरिया मॉल, उसका भी विजिट ख़त्म हो गया है, तो अब
हम जाएंगे यहाँ से मेरे घर रास्तनूरा, जो कि जुबेल से एक घंटे का रास्ता है। लेकिन वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और हाँ, आपको अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी फ्राइडे को। तब तक खाइए, पीजिए, घूमिए फिरिए और जीवन का आनंद लीजिए, क्योंकि जिंदगी न मिलेगी दोबारा। आओ जो, गुड बाय।